हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आज हम जो सब्जी बना रहे हैं ना, इसे बनाने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। और आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए और कुछ समझ ना आए क्या बनाए, तो ये सब्जी जरूर बनाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आपकी इतनी तारीफ होने वाली है, क्या पूछें। 2 प्याज ले लिए थे हमने, उसे अच्छे से धो के रफली चॉप कर लिया, बहुत बारीक भी नहीं काटा है और बहुत मोटा भी हमें नहीं काटना है। प्याज हमने काट लिए, जब तक हम कढ़ाई रख देते हैं। एक कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच बेसन। इसे ना हम हल्का सा भून लेंगे। इसे भूनने में हमें 1 मिनट ही लगेगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस खुशबू आने तक भूनना है। इसका कलर वलर हमें चेंज नहीं करना है। ये देखिए, हमने इसे 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसे एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमें कलर वलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें, जलाना नहीं है बेसन को। मैंने बेसन को एक बाउल में डाल दिया है। अब हमने डाल दिया सरसों का तेल कढ़ाई में, और तेल को मैंने थोड़ा अच्छे से गर्म करके थोड़ा सा ठंड रूम टेम्परेचर पे कर लिया है, क्योंकि एकदम गर्म तेल में हम सब चीज़ें डालते हैं तो जल जाती हैं, और सरसों का तेल तेज गर्म करने से उसका कच्चापन निकल जाता है। और 2 लाल मिर्च डाल दी मैंने साबुत इसमें, और जो हमने प्याज काटे थे ना, वो हमने इसमें डाल दिए। अब हम प्याज को भुनने देंगे, जब तक हम काट लेते हैं इधर हरी मिर्च और टमाटर, और बाकी का काम भी करेंगे। मैं आपको बताऊंगी बेसन से क्या करना है हमें, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो आप प्लीज वीडियो को पूरा देखना, बहुत ज्यादा टेस्टी ये सब्जी होने वाली है। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और जाके कमेंट में यम्मी जरूर लिखना अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो। ये देखिए, टमाटर को भी हम काट लेंगे, रफली चॉप करना है, बहुत बारीक करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप रफली चॉप इसे कर सकते हैं। ये देखिए, टमाटर भी हमने काट लिए। अब हम ले लेते हैं ये बेसन जो हमने भून के रखा था। इस बेसन में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के दही। आप घर की नॉर्मल दही ले सकते हैं, दही खट्टी ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर हल्की फुल्की खट्टी भी होगी तो चलेगा। 2 चम्मच भर के मैंने इसमें दही डाल दी। इसमें हम डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, ये घर का बना हुआ गरम मसाला है। आप चाहें तो आप जो सा भी मसाला यूज़ करते हैं गरम मसाला, वो डाल सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च और भुना हुआ जीरे का पाउडर, और 1 चम्मच भर के डालेंगे सूखे धनिए का पाउडर, और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे फेंटते हुए, ताकि ना दही में कोई भी लम्स ना रहे। एकदम अच्छे से मैंने हैंड विस्कर से इसे मिक्स कर लिया है, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और एकदम अच्छे से इसे फेंट लेंगे। ये देखिए, और इस मिश्रण को तैयार करके हम साइड में रख देंगे। थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया है, क्योंकि बेसन डालने से काफी गाढ़ा हो जाता है उस हिसाब से, और इसे साइड में रख दिया। इधर देखिए, हमारे प्याज भी हल्के गोल्डन कलर के हो गए हैं, हमें इसका कलर ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। थोड़े खड़े खड़े प्याज ही अच्छे लगेंगे, थोड़े गोल्डन कलर के हो जाएंगे ना, इतना ही हमें चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च जिसे हमने काट के रखा था। साथ साथ सारा काम करेंगे तो जल्दी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, मुझे जल्दी से अपने बेटे के लिए, मतलब अपने भतीजे के लिए थाली प्रिपेयर करनी थी। साथ में मैंने डाला नमक। नमक डालने से तो पता ही आपको क्या होता है, टमाटर जल्दी गल जाते हैं, और अच्छे से मिक्स करके टमाटर गलने तक हम इसे पका लेंगे। टमाटर गलने में 4 से 5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए, टमाटर गल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे वो पेस्ट दही और बेसन का और मसालों का जो हमने बना के रखा था, इसमें हम डाल देंगे। बाउल में थोड़ा सा पानी डाल के भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए, अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसमें दही डाली है तो एकदम अच्छे से हिलाते हुए हमें इसे मिक्स करना है, जब तक ये गर्म नहीं हो जाता है, इसमें उबाला सा नहीं आने लगता। तो अच्छे से मिक्स करें, और जब तक ये गर्म नहीं हो जाता, देख रहे हैं आप, अच्छे से ये उसमें उबाला सा आने लग गया है, भुनने लग गया है मसाला। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे। जितना अच्छे से ये भुनेगा ना, 5-6 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से भुना है, इसका कलर भी आप देख रहे होंगे चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया डाल के मिक्स कर दें, और देख रहे हैं इसमें तेल रिलीज होने लग गया है। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि हमारी सब्जी में थोड़ी ग्रेवी सी बन के तैयार हो। थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर देंगे, और ढक के 2-3 मिनट तक हम पकने देंगे। ज़्यादा देर नहीं पकाना है, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ढकेंगे, ज़्यादा नहीं हमें इसे पकाना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी ये पनीर की भुर्जी, यानी कि अमृतसरी भुर्जी बनकर तैयार होगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप एक बार जरूर बनाना और मेरे साथ फीडबैक भी शेयर करना। और ये देखिए, इसमें कितना अच्छा कलर आ गया हमारा, जो ग्रेवी अच्छे से भून गई है। इसमें मैंने डाल दिया पनीर को ग्रेट करके। मैंने 150 ग्राम पनीर लिया, उसके हिसाब से ही मैंने प्याज और टमाटर लिए थे। आप जितना बनाना चाहते हैं उस हिसाब से प्याज टमाटर ले सकते हैं, और बेसन भी ले सकते हैं। अब इसके ऊपर डाल देंगे हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, तो जरूर डालें, और अच्छे से मिक्स कर दें।
देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है। अभी हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे, इससे ये और भी अच्छी हो जाएगी। ढक के इसे सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए हम सिम गैस पे, एकदम सिम हो गैस पे हमें चुकी है। छोड़ना है। ये देखिए, देख रहे हैं तेल रिलीज हो गया है साइड में, सब्जी का कलर कितना अच्छा हो गया है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी ये सब्जी बनी थी और हमारी सब्जी बन के रेडी हो गई है। अब ऊपर से डाल देंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया और घर का बना हुआ गरम मसाला। ऊपर से गरम मसाला डालने से ना बहुत अच्छी खुशबू आती है सब्जी में। गरम मसाला डाल के ऊपर से ढक के रख दें, 10 मिनट बाद सर्व करें। बहुत